Yes, good morning everyone. So set theory में we already had talked about the word problems as a practical applications. The following question was given to you in your homework. Only one student submitted the solution to me. Do it in your homework. It's a very simple and straightforward question, and apply the Venn diagram. So do it using Venn diagram only. Is there anyone who has already done this question but didn't submit? Yes, sir. Okay, anyone else? Yes, sir. Okay. Now we will take few questions from the NCERT miscellaneous exercise, a little bit theoretical as such. So important भी हैं, ध्यान से देखिए. Let A, B and C are the sets such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. Show that B is equal to C. आप चेक करिए हम स्टार्ट इसे कैसे कर रहे हैं. गिवन ए यूनियन बी इज ए यूनियन सी, ये तो हमें गिवन है. अगर मैंने यूनियन वाले इस पार्ट से स्टार्ट करा है तो आप क्या करो, टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी, आपको बी और सी इक्वल प्रूव करना है. तो एक बार मैं बी के साथ लूंगा इंटरसेक्शन और एक बार सी के साथ. क्यों करना है वो एक दो स्टेप्स कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा. तो बी के साथ इंटरसेक्शन लिया बोथ द साइड्स एंड सिंप्लीफाई करिए, ओपन करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. तो दिस इज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. एंड आरएचएस कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है. ये हो गया. चलो बी इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख देता हूं. बी इंटरसेक्शन बी इज बी ओनली एंड दिस इज इक्वल टू, ये भी लिख दिया, चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. और अब जरा यहां पर आपको एक लॉजिक अप्लाई करना है वेन डायग्राम से और अदरवाइज. आप इस रिलेशन के बारे में सोचिए, व्हाट इज दिस आंसर. कितना आएगा ये, सो बी ए माइनस यस. देखो जरा ध्यान से, चलो ये ए है ओनली ये बी है. यस, तो एक तरफ मैंने लिया ए इंटरसेक्शन बी, वो ये आ जाएगा, और इसके साथ मैंने यूनियन पूछ लिया बी के साथ. बट डोंट यू थिंक सो, द आंसर विल बी सिंपली दी सेट बी. तो एलएचएस इज बी ओनली. और ये अभी मैं एज इट इज लिख देता हूं. कॉल दिस एज योर रिलेशन नंबर वन. नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, सेम रिलेशन को कंसीडर करिए दोबारा से.
अगेन, आपको क्या गिवन था, ए यूनियन बी इज ए यूनियन सी, और अब की बार मैं इंटरसेक्शन किसके साथ करने वाला हूं, सी। तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और आरएचएस आ जाएगा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। आई कैन राइट दिस एज ए इंटरसेक्शन सी, और इसे मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। व्हाट इज दिस नाउ, सर सेट सी। सेट सी, यस, गुड। सेम विजुलाइजेशन सोच के देखिए, जैसे हमने इक्वेशन वन के लिए किया था, ये आ गया सेट सी के इक्वल। और अब लास्ट स्टेप देखो मेरा क्या बचा हुआ है, फोकस ऑन दिस रिलेशन। सो वन एंड टू वुड बी इक्वल, बी इज इक्वल टू सी। हाँ, वो कैसे आप ए इन, यस हाँ बताओ, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पे पुट कर देंगे इंटरसेक्शन बी। यस बिल्कुल। सो नाउ ए इंटरसेक्शन सी आपको गिवन था ए इंटरसेक्शन बी के, तो मैं इसे अभी इक्वेशन टू कह देता हूं। तो यूजिंग इन इक्वेशन टू आप ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बाकी एज इट इज। और अब इसे कह दिया रिलेशन थ्री। कंपेयर करो फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन इजीली ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन मेरा सिंपल आ रहा है, यस, ये और ये दोनों तो सेम आ गए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे, और दिस इज व्हाट वी वांटेड, हेंस प्रूफ। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल मेथड। थ्योरेटिकल में आई हैव सीन इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक कुछ और मेथड दिया हुआ है, पर दिस इज कन्वीनियंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, प्रोवाइडेड आप इक्वेशन वन तक अगर आपने समझ ली और आपको याद रहा कि ये करना है, तो इक्वेशन वन अगर हो गई उसके बाद तो सिमिलरली यू कैन प्रोसीड फर्दर एंड यू कैन अराइव एट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। स्टेप्स आपको ही याद रखने पड़ेंगे इनिशियली, कि हमने एकदम से बी के साथ क्यों इंटरसेक्शन लिया है, ए के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। इसीलिए एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन और एक बार सी के साथ जा रहा है। Check out a very similar question. पढ़ के देखिए।
यस चेक इट आउट, ए और बी सेट्स हैं और आपको अब की बार क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो है बी इंटरसेक्शन एक्स एंड दैट इज फाइव, ए यूनियन एक्स है बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, अल्टीमेटली यू आर टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। तो आप चेक करिए, सो ए इंटर एक्स एंड ए एंड बी आर नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन, ए एंड बी आर सर एक्स इज नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन विद ए एंड बी, दैट इज नॉट मेंशनड हियर सर, बट फाइव अच्छा हाँ इस वाले पार्ट में, हाँ हाँ वो तो ऑब्वियसली गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स है वो फाइव है, तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक्स एनी अननोन सेट है क्योंकि हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू नहीं जस्टिफाई करने वाले हैं, आपको जनरलाइज करना है। तो आई विल वेन डायग्राम से हो सकता है, सॉरी सर ये वेन डायग्राम से हो सकता है, नो क्योंकि हमें जब एक्स के बारे में ही नहीं पता है तो ये चीजें हम वेन डायग्राम से नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, आपको थ्योरेटिकल प्रूफ ही करना रहेगा, इसलिए मैंने बताया कि दो तीन क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े टिपिकल हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये हमें गिवन है, आंसर क्या लाना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सोचना शुरू करेंगे, ए इक्वल टू बी लाना है ना, तो आप एक बार इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ एंड देन मैं कर दूंगा बी के साथ, और इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि इक्वेशन जो है वो यूनियन वाली है जो मुझे गिवन है, तो टेकिंग इंटरसेक्शन विद ए बोथ द साइड्स, तो क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्विकली लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, और ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, चेक दिस आउट, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए, सर ए, एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन एक्स, सर फाइव, दिस इज ऑलरेडी, ये आपको फाइव गिवन है, और फिर ये चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव हो गया, मींस व्हाट इज दिस एलएचएस कितना आ गया, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कॉल दिस एज रिलेशन वन, अगेन आपको जो गिवन है कंसीडर किया, और अब की बार मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन विद बी, यस टेकिंग इंटरसेक्शन विद दिस सेट बी बोथ द साइड्स, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स विल बी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, apply distributive property as usual, union b intersection x, this is b intersection b union b intersection x, b intersection a ko main a intersection b likh sakta hu, what is this b intersection x, phi diya hua hai, एंड बी इंटरसेक्शन बी कितना होता है, बी बी, एंड व्हाट इज दिस अगेन फाइव, क्या आ जाएगा इससे, फाइव के साथ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, दिस इज बी, और इन सिंपल वर्ड बी कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कंपेयर वन एंड टू यू हैव योर आंसर, तो ये तो पिछले से भी थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव हो गया है, तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों के मैंने देखा आरएचएस इक्वल हैं, एलएचएस विल आल्सो बी इक्वल,
Hence proved. In case if you come across any other solution, theoretical solution is tarah se, please do share that with me. Because I never say ki question ko solve karne ka sirf ek hi unique method hai jo maine bata diya. There may be multiple ways, possibilities that you need to explore. Please make a note of it. I'm waiting for a minute. Take this out. Show that for any two sets A and B, the following two different results came. So let me take any one. First वाला ही चलो मैं ये बता देता हूँ. Second फिर आपके homework में आएगा, वो logically आप करेंगे. आपको ये prove करना. A intersection B union A minus B. Consider RHS. Normally LHS से start होती है, but यहां RHS लिया मैंने and ये दो लाइन का है. Apply the formula. What is A minus B? Anyone? A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं. विजुलाइज दिस यूजिंग वेन डायग्राम. एक बार सोचना इस रिजल्ट को. इनफैक्ट दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन क्लास 12 प्रोबेबिलिटी. आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि ये दोनों के वेन डायग्राम बनाना सेम शेडिंग आ जाएगा. मतलब a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीट. ओ सॉरी, यहां पर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा. नाउ लुक केयरफुली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में सोचना है. कैसे? ये भी ए इंटरसेक्शन लिखा है और ये भी ए इंटरसेक्शन. तो थिंक लॉजिकली, कैन आई राइट दिस एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द फॉलोइंग मैनर. आप इस स्टेप को सॉल्व करिए. डी प्रॉपर्टी लगाइए डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. चेक इट आउट, यही तो लिखा था हमारा ऊपर वाला स्टेप. तो ये आपस में एक दूसरे के लिए इक्वल दे सकते हैं. Any doubt to anyone? अब ये basic basic properties और उनकी application आपको समझनी रहेंगी. And formula सिर्फ left hand side से right hand side में सिर्फ याद नहीं होते हैं,
राइट से लेफ्ट में भी आपको आना चाहिए, रिवर्स थिंकिंग, रिवर्स प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। अब तो बहुत इजी है, एनीवन, व्हाट इज बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल? ए विच इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव। हेंस शॉन कह देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज में शॉन कहा था। सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल एंड सिमिलर, डू इट इन योर होमवर्क। ये और इजी क्वेश्चन है उससे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कोई भी हम, चलो आप सेकंड पार्ट ले लेते हैं। आपको शो करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए, चेक इट आउट, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। सर द क्वेश्चन वी डिड द फर्स्ट। यस एग्जैक्टली, ये ए इंटरसेक्शन ए हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट वी ऑलरेडी हैव सीन, वेन डायग्राम से विजुलाइज कर लीजिए, दैट विल बी ए, हेंस शॉन। सो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Do the first part in your homework. Quiz time. Yes, a question will come on your screen. आपको बताना है which option is correct. This is MCQ. Sir, 64. Okay, I'm waiting for others also. चलो एक चीज ये देखें जरा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट। 256। ओके, निखिल इज सेइंग 256, लेट्स फाइनलाइज। पहली बात, इसका पावर सेट क्या होगा? सर फाइव, सेवन, टेन, 11, 11, 7, 10, 7, 10, 7, 11, चलो 10, 11 एंड 7, 11 एंड 7, 10, 11, 7, 10, 11. सो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आ गया? 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। So what is the answer now? 256. Yes, Aarti. और ठीक है, आंसर अब आ रहे हैं। अब समझ आ गया होगा कि आपके पास जितने भी n आ जाए, कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं इसमें एक्चुअली। तो आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा था पावर सेट के, सो देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 2 की पावर n, विच इज 8 हो जाएगा, 256। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। और आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, रीसेंट ईयर्स में से मैंने आईआईटी के एक दो क्वेश्चंस पिक करे हैं
और वो भी बेसिक लेवल के, जो वहां पर भी पूछे गए हैं। चलिए टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बीच में यहां कॉमा है और यहां एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल होगा। यू मे नीड टू यूज पेन एंड पेपर सर। एन ए पार्ट। विच पार्ट? ए पार्ट। ए, ओके चलो चेक करते हैं। इतना जल्दी आंसर शायद पॉसिबल नहीं है, बट एनीवे आपको एक्स सेट दिया है, वाई दिया। यस, एनीवन एल्स? वाई। वाई पार्ट डी। चलो चेक कर लेते हैं इनमें से क्या आ रहा है। सबसे पहली बात, एक्स को हम लिख कर देखते हैं। एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो एन को एक बार 1, 2, 3 थोड़ा सा पुट करते हैं तो एक्स आ जाएगा। एन को मैं अलग से लिखता हूं, एन को 1 पुट करा, व्हाट इज दिस वैल्यू? 0। फिर एन को मैंने 2 रखा, 4² - 3 × 2 - 1, 16 - 7 कितना आ गया? 9। एक एन को 3 रख के देख लेते हैं, एन क्यूब माइनस 3 × 3 - 1 विच इज 64 - 10 विच इज 54 एंड सो ऑन। इसका मतलब सेट एक्स जो है वो 0, 9, 54 कुछ ऐसा जा रहा है। अब हम फोकस करते हैं सेट वाई के ऊपर। वाई के लिए भी आप वही एन को पुट कर दो, नेचुरल नंबर ही है ना, 1, तो एन की जगह 1 रखा, एन इज 2। व्हेन एन इज 3, 18। व्हेन एन इज 4, 27 एंड सो ऑन। मीन्स आपका सेट वाई कितना आ गया? 0, 9, 18, 27 एंड सो ऑन। व्हाट इज द आंसर? सोचिए जरा ध्यान से। सेट वाई। Yes. सेट वाई। Yes, X जा रहा था, ये मेरा Y जा रहा है। So one can easily observe, हमने यूनियन की बात करी है ना, तो या X में हो या Y में हो, कॉमन पता चल रहा है कि X के अंदर भी 9 के ही बट लिमिटेड मल्टीपल आ रहे हैं। Y के अंदर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर एक्चुअली इंक्लूडेड, therefore the आंसर इज सेट Y. This is the answer. You need to think and apply a simple logic. तो एकदम से आंसर शायद नहीं हो, हमें कुछ एलिमेंट्स लिखने पड़े। सेट बिल्डर से मैं लेकर आया हूं रोस्टर फॉर्म में। इनफैक्ट इसे मैं जनरलाइज्ड वे में भी बता सकता हूं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वो हम बाद में स्टडी करते हैं 11th में ही इन सेकेंड टर्म, बट आई लीव दैट पार्ट। बेसिक सिंपल वे में सोचते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये जो स्लैश लिखा है ना सी एंड डी पार्ट में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज सेम एज difference of a set. So some authors use this notation.
यस सर, सी पार्ट सी पार्ट अब हमें सी। एक-एक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सो ए यूनियन बी, आपको ए बी और ये दिए हुए हैं, लेट मी कैलकुलेट वन बाय वन। व्हाट इज ए यूनियन बी? वन टू थ्री फोर, वन वन टू टू थ्री फोर। थ्री फोर, इसका मतलब ये तो ट्रू है। फिर इंटरसेक्शन मैंने देखा वन टू एंड वन तो टू ये भी ट्रू है। फिर मैंने निकाला ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी? थ्री 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 दैट इज थ्री ओनली, तो क्लियरली ये आ गया फॉल्स। हमसे फॉल्स ही पूछा था तो ये आंसर होगा। बट एनीवे हम इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? थ्री और फाइव, 3.5। 3.5, तो देयर फोर पी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का मतलब क्या हो गया? 3.5 माइनस 1.23 इज दिस फाइव, फाइव विच इज ट्रू हेयर। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सिंपलेस्ट रहा सभी में। यस सर। चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीनशॉट लिया है, आपको पता ही चल रहा होगा जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया है। सर आर और ए बी सी None of डी these. ओ नन ऑफ दीज? यस सर, None of these, नन ऑफ दीज। यस, एनीवन एल्स? sir. None of these. चेक Sir, दिस, none of these. यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स। सम स्टूडेंट प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम्स बट नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स। यहां बस एक यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, कह रहे विच डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, और नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे मैं पी ले रहा हूं या क्यू या आर, दे हैव सम रीजन विच इज एक्चुअली कॉमन टू ऑल थ्री। ये ऐसा रीजन है जो कॉमन किस तीनों में कहीं ना कहीं आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि नन ऑफ देम प्ले ऑल द थ्री गेम्स। सो इसका मतलब नो वेन डायग्राम एक्चुअली जस्टिफाई एंड रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ओके, सो दिस इज अबाउट जो मैंने अभी क्विज आपका लेना था, एंड नेक्स्ट क्विज आई विल बी शेयरिंग वेरी सून इन योर ग्रुप, और वो आई एम प्रिपेयरिंग इन द गूगल फॉर्म्स। तो देयर विल बी अराउंड से 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, तो उसके लिए एंड दैट विल बी कंपलसरी फॉर एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट दैट क्विज, और वो आप सबमिट करेंगे, वो इंटरनल में आपके मार्क्स मैं बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब मैं आपको आफ्टर अ फ्यू मंथ मतलब सॉरी फ्यू डेज या वीक्स आई विल शेयर माई होल स्क्रीन। आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू मेंटेन योर रिकॉर्ड गूगल क्लासरूम में या अदरवाइज इन एक्सेल फाइल। आपकी अटेंडेंस से लेकर आपका वर्क सबमिशन से लेकर टाइमिंगली वर्क सबमिशन, हाउ मेनी मार्क्स यू आर स्कोरिंग, बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट प्रिडिक्टेबल एट ऑल। वी मे बी आस्क्ड टू सबमिट यूअर मार्क्स इन एनी केस यूजिंग दैट इंटरनल असेसमेंट ओनली, तो उसके अंदर आपका प्रॉपर जेन्युइन रिकॉर्ड जाने वाला है। तो
तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इन्फ्लेशन के इंटरनल है तो हर एक का 90% या इतना तो आ ही जाएगा. प्लीज रिमेंबर दैट ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड अबाउट दिस. चैप्टर वर्क का लिंक इज ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. इट इज ऑलरेडी इन योर गूगल क्लासरूम. अपलोड योर वर्क, अपलोड करिए आपका. देर मैंने बताया और देर इज अ डेडलाइन ऑल्सो, वो इस वीक की है. आप गूगल क्लासरूम को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए, अपने ईमेल को चेक करिए ऑफिशियल. यू मस्ट हैव गॉट सम मैसेजेस रिगार्डिंग द सेम, और अदरवाइज क्लासरूम के अंदर तो ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन है. इनफैक्ट आज तक, कल तक जो आपकी क्लासेस हुई हैं, ऑल द वीडियोज एंड PDF वो डे वन, डे टू, डे थ्री करते हुए आई हैव क्रिएटेड वन अनदर फोल्डर इन योर क्लासरूम, जिसमें वो लिख दिया गया है माई क्लासरूम टीचिंग PDF एंड वीडियोज. तो एवरीथिंग इज एक्चुअली सिंक्रोनाइज्ड नाउ. कोई भी चीज आपको देखनी है, मिस हो गया है, गो टू क्लासरूम एंड चेक देम आउट. लेट मी डू वन थिंग, एक सेकेंड में मैं आपको अपना क्लासरूम ओपन करके दिखा रहा हूं. So you will have the better idea about this. Okay, so I'm sharing my complete screen. Is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so चेक दिस आउट. एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. दिस इज देखिए 11C लिखा हुआ है और उसमें ड्यू डेट ट्यूजडे की है. आपकी सेट वन की असाइनमेंट जो PDF अटैच करना है, आई विल क्लिक ऑन दिस. तो आपके में सिर्फ तीन चीजें दिखाई देती होंगी, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल. मेरे वाले में एज अ टीचर में एक ग्रेड्स का एक्स्ट्रा कॉलम होता है, यहाँ पर आपके पूरे मार्किंग है, जो पूरे मार्क्स लगने वाले हैं. होल्डर्स होमवर्क का हो गया, वो ग्रेडिंग होगा. चैप्टर वन का NCERT और चैप्टर वन की असाइनमेंट, तो उनके यहाँ पर आपके जब आपका सबमिशन होगा, अकॉर्डिंगली ग्रेड जब होगा, तब यहाँ पर मार्क्स आपके लिखे हुए आएंगे. तो ये मेरे पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा. स्ट्रीम के अंदर ऑफ कोर्स क्या क्या चीजें लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, सारा वो आता है. मेन है क्लास वर्क. आप जब क्लास वर्क देखेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा होगा माय टीचिंग PDF, फिर सेट थ्योरी. ये इसमें भी कुछ भी नहीं है. आई एम गोइंग टू ऐड चैप्टर 2, 3 एंड सो ऑन. मिसलेनियस के अंदर आपका हॉलीडेज होमवर्क की अटैचमेंट की बात हो रही है एंड ओनली वन स्टूडेंट हैज सबमिटेड, आरती मेहंदेरता. शी हैज सबमिटेड हर वर्क हॉलीडेज होमवर्क वाला. और अगर मैं सेट थ्योरी में जाऊं तो ओनली वन स्टूडेंट ने NCERT के सॉल्यूशन, जिया मेहता ने अभी तक सिर्फ सबमिट किया है. और असाइनमेंट का नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हैज डन इट. माई टीचिंग PDF को आप देख लीजिए, यू स्टार्ट विद दिस. जैसे लास्ट आज 7th क्लास है हमारी, तो यहां नाम से पता चल जाएगा डे 6 में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किया था. So when you click on this, there is the YouTube video of it and there is the PDF of the same. जो ग्रुप में मैं भेजता हूँ, but WhatsApp है, कभी भी डिलीट हो सकता है, ऊपर नीचे आएंगी. यहाँ ये चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगी. So I go to any this link, I click on it directly, that video and the presentation easily आप देख सकते हैं. So please make a best use of it and make it sure your name is visible. आप एक बार चेक कर लीजिए, are you all here? और जो नहीं है, इसका मतलब उन्होंने अभी तक ये क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लासरूम. गुड मॉर्निंग सर. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Sir.
जी सर, कैसे हैं सर आप? या ऑल वेल, आप बताइए, हाउ इज एवरीथिंग? बस ठीक है सर।